नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करीब 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए और उसके बाद से वो ताबड़तोड़ कार्यक्रमों को लीड भी कर रहे हैं। जनता का उन्हें खूब प्यार मिल रहा है और इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके वरिष्ठ नेता आदिल अहमद जी। आदिल जी, सबसे पहले तो मैं इसी सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा कि 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, किस नज़र से देखते हैं इसे? देखिए, एक ऐसा तथाकथित शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर लिखा गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया, 2 साल से अधिक हो गए एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है, 500 से अधिक टीमें तैनात हुई, 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई, 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई, आज तक 5 पैसे की कहीं से रिकवरी नहीं, आज तक 5 पैसे का कोई सबूत नहीं। लेकिन उसके उलट देखिए कि आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी को जेल में डाला गया। आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, काउंसलर से मिल रहे हैं, लीडर्स से मिल रहे हैं। दिल्ली के लोग भी मनीष सिसोदिया जी से मिलना चाहते हैं, लगातार लोग इस कोशिश में हैं कि मनीष सिसोदिया जी से मुलाकात हो। एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि पूरी दिल्ली को एक जगह इकट्ठा करके उनसे मिल ले। मनीष जी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा, अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा। आज पदयात्रा का 6ठा दिन है, जिस तरीके से हमने देखा है कि लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल के आ रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि जब लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से मिलने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। ये प्यार है, ये विश्वास है आम आदमी पार्टी के प्रति, ये विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, ये प्यार है मनीष सिसोदिया जी के लिए कि लोग अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। लोग ये जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान की शिक्षा क्रांति का जनक कहा जाता है, उसको फर्जी मुकदमे में 17 महीने जेल में डाल के रखा गया सिर्फ ताना शाह की जिद पर। मनीष सिसोदिया जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, सत्येंद्र जैन जी का, संजय सिंह जी का क्या गुनाह है? इस देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देना गुनाह है? इस देश में महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना गुनाह है? 24 घंटे फ्री बिजली देना गुनाह है? साफ पानी देना गुनाह है? इस देश के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए, ये गुनाह है? इस देश के नाम पर शहीद होने वाले परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, गुनाह है? अगर अच्छे स्कूल बनाना गुनाह है, अच्छे अस्पताल बनाना गुनाह है, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाना गुनाह है, बिजली पानी फ्री देना गुनाह है, महिलाओं का सम्मान गुनाह है, सैनिकों का सम्मान गुनाह है, बुजुर्गों का सम्मान गुनाह है, तो हम पूरी उम्र जेल रहने के लिए तैयार हैं, पर हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा कि मनीष सिसोदिया को, उन पर कई सारी जांचें चली, बहुत सारे, और 17 महीनों तक उन्हें जेल में रखा गया, क्या आप मानते हैं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था या कुछ और? देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, वो डरती है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जितना काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती। हमने पिछले चुनाव में देखा, देश के सबसे बड़े नेता घोषित, अपने आप को कहने वाले और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के अंदर जाते हैं तो टेंट का स्कूल बनाकर उसमें बैठकर फोटो खिंचाते हैं, दूसरे दिन वो स्कूल गायब हो जाता है। तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जी से के कामों से कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया। आज दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को जमानत देने के टाइम सख्त टिप्पणी की है, वो आज पूरे देश के सामने है, पूरी दिल्ली के सामने है, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जल्द ही हमारे नेता और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल के सलाखों के बाहर होंगे और हम सबके बीच में होंगे, दिल्ली के लोगों से मिलेंगे, दिल्ली के अंदर जो विकास का पहिया चल रहा है वो चलता रहेगा। अच्छा, ये जो इस वक्त पदयात्रा चल रही है, जेल से बाहर आने के बाद लोगों का हुजूम उनके साथ था, वो सारी तस्वीरें हमने भी देखी, तो क्या इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जाए या फिर जो 17 महीनों तक वो जेल में थे, जनता से मिलने की कसर जो उनके अंदर थी वो इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये हुजूम जो निकल के आ रहा है वो मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए प्यार है, और ये प्यार चुनाव तक रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली के 70 की 70 विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीतकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर से शानदार सरकार बनाने जा रही है। ये जो सड़कों पर उड़ता उमड़ता हुआ हुजूम है, इस बात की दलील है, इस बात की गवाही है। ये
ये आपने बता दिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली चुनावों की कमान अब लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के हाथ में है, तो क्या लगता है कि इसके बाद से कितना कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली के राजनीति पर? क्योंकि अगर यहाँ से एक बदलाव होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं एक दिल्ली की राजनीति पर एक कम से कम एक बड़े प्रभाव के रूप में देखा जाएगा, क्या लगता है? देखिए, हमको पूरा भरोसा है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत अभी पेंडिंग है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि कोर्ट में है, लेकिन सबको पता है कि फर्जी मुकदमा है। और जो देश का जो दिल्ली का चुनाव होने वाला है, इसमें सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम रोको अभियान है वो हारने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में ये लोगों का हुजूम है, लोगों का प्यार है, वो उमड़ रहा है मनीष सिसोदिया के लिए, उस दौरान हमसे बात की आदिल जी ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।